22 जुलाई से इस साल की कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। इसको लेकर यूपी सरकार की सख्ती भी है, तैयारी भी है, लेकिन उससे पहले सियासत भी तेज है। यात्रा से पहले यूपी के मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने खाने पीने की और फल की दुकान लगाने वाले सभी दुकानदारों को अपने नाम बाकायदा दुकानों पर, ठेलों पर लिखने के लिए कहा है और ये निर्देश सरकार की तरफ से है। यानी कि यात्रा के दौरान यदि कोई कांवड़ यात्री कोई सामान खरीदता है तो उसे ये मालूम होना चाहिए कि वो किसके यहाँ से फल फूल या कोई भी सामान खरीद रहा है। प्रशासन की मुहिम पर प्रदेश में अलग तरह का विवाद भी छिड़ गया है, सियासत भी गरमा रही है। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस पर ही निशाना साधा। ओवैसी हमेशा से मुखर रहते हैं। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना बोर्ड लगाना होगा ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ ना खरीद ले। हैदराबाद से लोकसभा के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के नए आदेश के अनुसार अब हर खाने पीने की दुकान या ठेले वाले को अपना नाम बोर्ड पर लिखकर लगाना होगा जिससे कि कोई भी कांवड़ियां गलती से किसी मुस्लिम दुकान से कुछ न खरीद ले। उन्होंने कहा कि इसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कहा जाता है और हिटलर के जर्मनी में इसे जुडेन बायकॉट कहा जाता है। जिला पुलिस के इस आदेश पर सपा मुखिया अखिलेश यादव भी भड़के। उन्होंने कहा कि अगर नाम से ही पहचानना है तो जिसका नाम गुड्डू मुन्ना छोटू या फत्ते है तो उससे कैसे पता चलेगा कि वो कौन है। अखिलेश ने आगे कहा कि इस पूरे मामले में कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि विपक्षी सवाल खड़े कर रहा है। खुद बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने भी इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखने की बात कही है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि जिला प्रशासन कांवड़ यात्रा में दुकान पर नाम लिखने के नियम की समीक्षा करे और इसे अन्य जिलों में लागू न करे। केसी त्यागी ने कहा कि पता नहीं किन परिस्थितियों में मुजफ्फरनगर प्रशासन ने यह निर्देश जारी किया, लेकिन इन मुस्लिम बाहुल इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा का कोई इतिहास नहीं है, इसलिए प्रशासन अपने आदेश की समीक्षा करे और इसे यूपी के अन्य जिलों में लागू न करे। जावेद अख्तर लिरिसिस्ट हैं, लेखक हैं, वो लिखते हैं, मुजफ्फरनगर यूपी पुलिस ने निर्देश दिया है कि निकट भविष्य में किसी विशेष धार्मिक जुलूस के मार्ग पर सभी दुकानों, रेस्टोरेंट्स, यहां तक कि वाहनों पर भी मालिक का नाम प्रमुखता से और स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। आखिर क्यों? वहीं दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी कहते हैं कि धर्म के नाम पर आपत्ति करना बिल्कुल गलत है। क्या दुकान किस धर्म के आदमी की है ये बताना जरूरी है? निजामी के मुताबिक कोई भी मजहब दूसरे मजहब के साथ भेदभाव नहीं करता है, ऐसे में ये फरमान गलत है। कांवड़ यात्रियों की व्यवस्था मुसलमान भी करता है और जब ताजिए निकलते हैं तो हिंदू भाई भी मदद करते हैं। मामले में राजनीतिकरण से ज्यादा इस बात की जरूरत है कि मजहब के नाम पर बंटवारा ना हो और भाईचारा कायम रहे। वहीं पश्चिमी यूपी के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कांवड़ यात्रा की तैयारियां फिलहाल शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में सभी भोजनालयों और खाने पीने का सामान बेचने वाली दुकानों और ठेलों पर मालिक का नाम लिखने के आदेश की पुष्टि भी हो गई है ताकि कांवड़ियों को कोई भ्रम न हो। सुनिए क्या कह रहे हैं अधिकारी महोदय। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, लिए ऐसा निर्देश दिया गया है। तो तैयारी पूरी है। कांवड़ यात्रा भगवान शिव के भक्तों द्वारा हर साल की जाने वाली एक शुभ यात्रा है। इस यात्रा को जल यात्रा भी कहते हैं। कांवड़ यात्रा एक महीने तक चलती है, पूरे सावन भर, जिसमें कांवड़िए नंगे पैर भगवा वस्त्र पहने हुए पवित्र तीर्थ स्थलों का गंगा जल एकत्रित करते हैं और उसे अलग अलग शिव मंदिर में जाकर अर्पित करते हैं। फिर वहां से जल उठाते हैं और उसे दूसरे मंदिर में ले जाते हैं। कांवड़ यात्रा इस साल 22 जुलाई से शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले यूपी में सियासत चरम पर है। एक आदेश ने कांवड़ यात्रा को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।